आज हम आम का स्वाद सर्दियों में ले सकते हैं, गाजर का बरसातों में, बाजरे का गर्मियों में, और ये सब संभव हुआ है कोल्ड स्टोरेज तकनीक के माध्यम से, जिसकी मांग समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके चलते विकासशील देश कोल्ड स्टोरेज उद्योगों के विस्तार पर जोर दे रहे हैं और ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे खाद्य उत्पादों का नुकसान, जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं, कम से कम हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा की गई स्टडी से पता चला है कि फलों के मामले में कुल नुकसान 18% तक होता है और सब्जियों में ये सीमा 13% के बीच है। इसलिए खाद्य उत्पादों में होने वाले इस नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और प्रयासरत है और कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री को मजबूती देते हुए कई योजनाओं और समाधानों द्वारा इस हानि को कम से कम लाना चाहती है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के अनुसार 2017-18 में कोल्ड चेन और रेफ्रिजरेशन सेक्टर में रेफ्रिजरेटर की मांग 2000 मैट्रिक टन थी, जो 2037-38 तक 1,00,000 मैट्रिक टन हो जाएगी। पर इसकी आपूर्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर देखने को मिला है, जिसे ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के साथ कृषि क्षेत्र को ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए इनोवेटिव समाधान और नीतियां लाई है। तो आइए इन छोटे व मूल्यवान योगदान से कोल्ड स्टोरेज उद्योगों में ऊर्जा दक्षता की क्रांति लाएं और किसानों की बचत में वृद्धि करें और देश को ऊर्जा दक्ष बनाएं।